हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी फॉर बायोलॉजी मिनी। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग इट, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा में यहाँ सी साइलेंट है फ्रेंड्स, सो प्रोनाउंसिएशन में आप गड़बड़ मत कीजिएगा। सी जो यहाँ पे साइलेंट है, इसी को टीनोफोरा कहते हैं। टीनोफोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है, ये दिखता है एक वॉलनट टाइप का है। वॉलनट यानी कि अखरोट टाइप का दिखता है, ओके। और इसको बहुत सारे नए नए नाम से भी जानते हैं, तो इसके इंट्रो सेक्शन में हम लोग लिख देते हैं ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ए के ए मीन्स ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट यानी कि समुद्र का अखरोट, ओके। सी वॉलनट, कॉम जेलीज भी क्यों कहते हैं इसे, हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉम जेलीज और कॉम्प्लेट्स, इनको कॉम्प्लेट्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेट्स, ओके। ये इसके कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनसे इनको बुलाया जाता है, क्योंकि टीनोफोरा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इनके कॉमन नेम है सी वॉलनट, कॉम जेलीज एंड कॉम्प्लेट्स। हैबिटेट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो टीनोफोरा जो है वो एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल है। एक्सक्लूसिवली मराइन मीन्स ये सिर्फ मराइन में पाया जाता है, नन अदर देन दैट, एल्स कहीं भी और इसके अलावा कहीं नहीं पाता। जैसे कि हमने पिछले हमारे फाइलम में देखा था सिलेंट्रेटा में, कि वहाँ पे एक जो एक्सेप्शन था हाइड्रा, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, ओके। काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं एक्सक्लूसिवली मीन्स क्या होता है, तो मैं उसको क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मीन्स सिर्फ और सिर्फ मराइन में पाने जा, एक्सक्लूसिव मीन्स सिर्फ और सिर्फ, ओके। तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा से याद करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिवली ये मराइन एनिमल है, जो कि इसका एक ही हैबिटेट है। इसकी बॉडी सिमेट्री जो है वो है रेडियल सिमेट्री, ओके। अगर आपने क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ये दो फाइलम है, सॉरी तीन फाइलम है, दो हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ओके। नेक्स्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है मीन्स सेंटर ऑफ एक्सिस से किसी भी प्लेन में अगर इसको काटा जाए तो ये दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा, ओके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका टिश्यू लेवल का है, लाइक द प्रीवियस वन, इट इज़ फॉलोइंग द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। इसके बाद हम लोग कुछ इवॉल्वेशन देखेंगे नेक्स्ट फाइलम में, बट यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और जर्म लेयर जो है यहाँ पे लाइक द प्रीवियस, यहाँ भी डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होगा फ्रेंड्स, बट बीच में मेसोडर्म नहीं होगा, वहाँ पे मेसोग्लिया होगा। आप ऐसे इसको देख सकते हैं, ये बाहर एक्टोडर्म बन गया, एक्टोडर्म, अंदर वाला इंडोडर्म, ओके, और बीच में मेसोग्लिया, ये मैं बीच वाला बना दे रही हूँ, ओके, और ये अंदर इंडोडर्म, ये अंदर वाला इंडोडर्म है, ये बीच वाला लेयर जो है वो मेसो, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक है तो यहाँ पे मेसोग्लिया होगा। मेसोग्लिया यानी पैचेस में, मतलब जेली लाइक जो यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होगा, लेकिन ये फुली डेवलप नहीं होगा। मेसोग्लिया फुली डेवलप नहीं होता, अगर फुली डेवलप होता तो ये मेसोडर्म बन जाता, ओके। तो ऐसा कुछ आपको डिप्लोब्लास्टिक में जर्म लेयर का देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम टीनोफोरा की बॉडी फॉर्म पे। तो बॉडी फॉर्म जो है वो बहुत ही सिंपल है। बॉडी फॉर्म जो है इसकी ओवल रहती है, ओवल एंड फ्लैटेंड ओवल रहती है, फुटबॉल लाइक ये देखने में लगेगा, जैसे कि बच्चों की गेंद होती है बचपन में, जब रंग बिरंगे गेंद से खेलते हैं वैसा ये दिखता है, ओके। तो ये ओवल शेप में रहेगी और इसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ओके, ट्रांसपेरेंट होती है इनकी बॉडी। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके बॉडी की, ये बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेंस मीन्स ये जो लाइट इमिट करते हैं, ओके, इनकी बॉडी के अंदर से लाइट इमिट होती है। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं इसमें 8 कॉम्प्लेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो इसके पास 8 कॉम्प्लेट्स हैं। ये कॉम्प्लेट्स जो है
ये कॉम्प्लेट्स जो इनके पास कॉम्प्लेट्स पे सीलिया लगा होता है, जो सीलिया लगा होता है इसकी वजह से ये इनके लोकोमोशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। सीलिया से क्या होगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन पैदा होगा और ये अच्छे से अपना मूवमेंट कर पाएंगे, लोकोमोशन कर पाएंगे। ओके, और ये जो है टेंटेकल्स निकले हुए हैं इनके। ओके, टेंटेकल्स ये किसी को भी घायल कर सकते हैं, डंक मार सकते हैं, काफ़ी पॉइजनस होता है फ्रेंड्स इनका टेंटेकल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनके पास टेंटेकल्स भी होते हैं, टेंटेकल्स, ये दो टेंटेकल्स होते हैं इनके पास। ओके, कितने टेंटेकल्स होते हैं फ्रेंड्स, टू टेंटेकल्स। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है फ्रेंड्स वो प्लूरोब्रैकिया का बनाया है, जो कि एग्जांपल है टीनोफोरा का, प्लूरोब्रैकिया। ओके, अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। लेबलिंग, ये जो आपको दिख रहा है ये गोल सा, जहाँ से सारे सीलिया ओरिजिनेटेड हैं, उसको कहते हैं एबोरल एंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एबोरल एंड, एबोरल एंड। एबोरल एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे होता है इसका स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट क्या होता है, स्टैटोसिस्ट जो होता है ये इसका नर्वस सिस्टम का काम करता है, इस ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम का काम करता है स्टैटोसिस्ट। उसके बाद ये 8 कॉम्प्लेट्स हैं, कॉम्प्लेट्स जिस पे सीलिया लगे रहते हैं, कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट्स पे ही सीलिया लगे रहते हैं। उसके बाद ये टेंटेकल्स हैं, टेंटेकल्स, इसी से ये स्टिंग करता है, जैसे कि स्टिंगिंग ऑर्गेन हाइड्रा में भी था इसके पहले प्रीवियस वाले फाइलम में, अब इनके पास भी टेंटेकल्स हैं जिससे ये अपने प्रेडेटर को घायल कर सकते हैं, प्रे को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको अंदर में रेडिश कलर का दिख रहा है ये इसका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जहाँ पे इनका फूड का डाइजेशन होने वाला है। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड्स, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब जो ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है फ्रेंड्स, इसके आपको दिख रहे हैं दो एंड है, एक यहाँ पे एंड है, ठीक है, और इसके उल्टे साइड में मीन्स एबोरल एंड के उल्टे साइड पे इसका माउथ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है फ्रेंड। माउथ जो है एबोरल एंड के उल्टे साइड पे है माउथ। सो ये डाइजेशन देख लेते हैं टीनोफोरा का, तो डाइजेशन जो होता है लाइक द प्रीवियस फाइलम ही होता है, तो इसमें भी दो स्टेप में डाइजेशन होता है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है लाइक द प्रीवियस फाइलम। तो सबसे पहले जो ये डाइजेशन के लिए फूड लेना पड़ेगा, फूड ये कैसे लेंगे, ये जो अपने टेंटेकल्स के टेंटेकल्स से ये फूड ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी प्रे जो भी इनका फूड है, वो मैं प्रे कह रही हूँ, वो इनके सामने से गुजरा, इन्होंने टेंटेकल्स मारा, वो मर गया या घायल हो गया, फिर वो उसको अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब कैप्चर प्रे बाय, तो ये जो फूड कैप्चर करते हैं वो किससे करते हैं फ्रेंड्स, कैप्चर प्रे बाय टेंटेकल्स, तो टेंटेकल्स से जो है अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद ये फूड कैप्चर करके कहाँ जाता है, ये इनके माउथ में जाता है, ऑब्वियसली माउथ में जाएगा तभी ये डाइजेस्टिव कैविटी में भी जा पाएगा, जैसे हमारे स्टमक में जाता है, माउथ के बाद फूड स्टमक में जाता है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इनमें थी फ्रेंड्स, आपको याद होगा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यहाँ पे मैं जीवी कैविटी लिख रही हूँ शॉर्ट में। ओके, तो ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में क्या होगा कि सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उस फूड पे एक्ट करेंगे और वो फूड जो है छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, मीन्स ये सेल के अंदर नहीं हो रहा है, उस कैविटी में हो रहा है, तो क्या इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो ये फूड कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में जाएगा, कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल जो है एक सेल है, सेल के अंदर अगर होता है डाइजेशन तो उसको कहेंगे इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेप में जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, तो रिप्रोडक्शन इसमें हर्माफ्रोडाइट है ये एनिमल, यानी कि इसमें मेल और फीमेल जो है वो सेम
गुनैड जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है फ्रेंड्स, हर्माफ्रोडाइट। ओके, तो हर्माफ्रोडाइट मींस मेल एंड फीमेल गुनैड आर प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करेगा, ये ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई सीन नहीं है, ये हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स मोनोशियस होते हैं, इनमें जो मेल फीमेल जो जेनिटल ऑर्गन है वो सेम इंडिविजुअल में होते हैं और साथ ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये अभी हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, इनमें जस्ट अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट ही हुआ है। सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ही रहेगा। ठीक है, अगर यूजुअली हम लॉजिक लगाएं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल ही होगा। इसमें जो है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है वो वाटर में होता है। ओके, फ्यूजन इन वाटर, फ्यूजन जो होगा मेल और फीमेल गैमेट का इन वाटर होगा। ओके, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल नहीं होता है। लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाना है, हमें इसको याद रखना है कि टिनोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है बट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। फिर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इसमें लार्वल फॉर्म होने की वजह से इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीन्स का मतलब होता है कि इनके जो लाइफ साइकिल है उसमें एक लार्वल फॉर्म भी होगा जो कि एडल्ट फॉर्म से बिल्कुल देखने में अलग होगा। तो इसके लार्वा को साइडिपिड कहते हैं, साइडिपिड। ओके, साइडिपिड लार्वा कहते हैं। इसके पहले के भी हमने फाइलम्स में देखे हैं, जैसे कि हमने पोरीफेरा में देखा था कि पेरेंट कैमुला और एम्फीब्लास्टुला लार्वा था, और सिलेंट्रेटा में जो है वो प्लैनुला लार्वा दिखता है, और टिनोफोरा में साइडिपिड लार्वा दिखता है। ओके, तो डायरेक्ट इन डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइडिपिड लार्वा। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो एग्जांपल इसका सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जांपल है इसका टिनोप्लाना। टिनोप्लाना की वजह से ही इस फाइलम का नाम जो है वो टिनोफोरा पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, वहाँ पे फोरा है, यहाँ पे प्लाना है, सी साइलेंट है दोनों में, इसीलिए ये सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल में आ जाता है टिनोप्लाना। उसके बाद मैंने प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम आपको पहले ही बना के मैंने इस वीडियो में दिखाया है। प्लूरोब्रैकिया भी इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। प्लूरोब्रैकिया को सी गूसबेरी भी कहते हैं क्योंकि ये मैराइन एनिमल है, इसलिए सी और ये गूसबेरी जैसे दिखते हैं। गूसबेरी यानी कि बेर। उसके बाद टिनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया, बेरोई भी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। हॉर्मीफोरा, अगर आपने बीएससी एमएससी के लाइव स्पेसिमेन देखे होंगे, जो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होते हैं जो दिखाए जाते हैं लैब्स में, तो उसमें भी हॉर्मीफोरा दिखाया जाता है, हम लोग को भी दिखाया गया था। ओके, हॉर्मीफोरा जो है वो सी, उसका कॉमन नेम है सी वॉलनट, क्योंकि ये वॉलनट के जैसे दिखते हैं। ठीक है, अखरोट जैसे दिखते हैं इसलिए इनको सी वॉलनट कहते हैं। इसका नाम, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हॉर्मीफोरा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टिनोफोरा फाइलम। आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसके, नेक्स्ट जो फाइलम है प्लैटिकल में थे इसको लेके। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।